देख रहे हो तो भाई गिव अवे होने वाला है, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वो स्कूटी है मेरे भाई, ये देखो। अरे 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 भाई, हाँ जी सर, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नाइट राइड होने वाली है, और अब देखो आप लोगों की शिकायतें भी मैंने दूर कर दी, अब जल्दी जल्दी ब्लॉग्स आ रहे हैं। कहाँ पहले हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, अब तो मेरे ख्याल से हफ्ते से पहले ही ब्लॉग आ गया। तो आप लोगों का प्यार ऐसी बरकरार रहेगा तो मैं भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने की। तो आज का सीन है, आज जो है हमारी नाइट राइड है, बट थोड़ी अलग है क्योंकि आज मैं दूसरे लोगों के साथ राइड कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं यूजुअली हमेशा राइड करता हूँ, आज वो नहीं है। तो आज मैं राइड कर रहा हूँ वाइल्ड विंग राइडर्स के साथ, जिनके साथ मैं बहुत पहले राइड करता था जब मैं जेवर गया था। तो मैं हूँ, बन्नी भाई हैं हमारे, रिली बॉय बनी और वाइल्ड विंग राइडर्स दिलप्रीत पाजी, जिनके पास है S1000RR, फुली ट्यून्ड, फुली लोडेड। बहुत जबरदस्त बैक फायर्स निकलते हैं उस बाइक में से, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो राइड होने वाली है, हम वहीं गुड़गांव एम्बियन स्टॉल तक जाएंगे, उसके आगे पता नहीं यूटर्न लेना है या वहां तक जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो अभी मैं मीटिंग पॉइंट पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी सब पहुँच चुके हैं। ओए ओए भाई साहब, क्या आवाज़ है। ओहो, ये रहे ये रहे ये रहे, वाह सेक्सी लग रही है, कौन सी बाइक है ये। तो मैं पहुंच गया हूँ मीटिंग पॉइंट पर, अभी आप लोगों को बाइक दिखा देता हूँ, काफ़ी सारी सुपर बाइक्स हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है तो थोड़ा हम लोग देख के चलाएंगे। आज की जो बाइक है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था, उस बाइक के बारे में, वो है दिलप्रीत पाजी की S1000RR, जिसके निकलते हैं सुपर डुपर बैकफायर। हाँ भाई, तुमने चलाई थी, कैसे पटाखे निकल रहे थे? अरे भाई गलत, वो एक्चुअली क्या है, वो ना मैप हो रखी है स्टेज टू, वो 310 किलोमीटर पे दिखाएगी। कौन से घर में, 5 में ना, छोटे में, 5 में। हमारे बनी पाजी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, व्हीली बॉय बनी के नाम से है। अब हम आप लोगों को बाइक दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे बाइक्स पर। ये हमारी मैक्स, बिना नंबर प्लेट भाई, हाँ दिखा रहे हैं भाई, आपकी गॉब्लिन भी कुछ इस तरीके का लाइनअप है। ये है जिक्सर 1000 GSX 1000 नेकेड S1000RR, ये वाली शेप मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये कौन सी बाइक, अच्छा एक ट्राइम बॉबर है ये तो, और ये बनी भाई की गॉब्लिन डीलर बना रखी है। देखो 2000 CC की, TVS की नहीं, कितनी BHP है ये, 420 BHP है ये, और ये CB1000R। तो अभी दिलप्रीत पाजी का वेट हो रहा है, वो जैसे आएंगे फिर हम लोग अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। आप गलत गाइडेंस दे रहे हो। ये देखो, ये दिलप्रीत पाजी की S1000RR। अब ये वैनम है या एंटी वैनम है ये मुझे नहीं पता, अच्छा एंटी वैनम लिखा हुआ है। अभी इसके पटाखे दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं भाई, मैंने वीडियोज़ में देखे हैं, और मैं पाजी के साथ काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ, देख रहे हो पूरा रैप हो रखी है भाई, गजब। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट हेलमेट कहाँ है? हेलमेट बताओ। अभी तो बिना हेलमेट के आए थे, हेलमेट कहाँ से आया? हमारे उड़ के पहले आया था। तो भाई मिले अभी हमारे,
चाहिए। तो भाई आए थे, भाई को आवाज सुननी थी, भाई ने भी चैनल भी सब्सक्राइब किया है और भाई खुश हो गए। वो देखो बन्नी भाई हमारे। तो ज्यादा लंबी राइड नहीं होगी, एक छोटी सी राइड होगी। तो जी राइड स्टार्ट हो चुकी है। होए होए बनी बाजी की व्हीली स्टार्ट हो गई है और ये हमारे दिलप्रीत पाजी वाइल्ड विंग राइडर्स की S1000RR जो कि स्टेज 2 ट्यून्ड है। अभी इसके बैकफायर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो भाई का भी चैनल है दिलप्रीत पाजी, आप लोग जानते होंगे वाइल्ड विंग राइडर्स के नाम से। तो जाके सब लोग सारे भाई सब्सक्राइब करना, भाई को भी सपोर्ट करना। पाजी भी व्हीली ले जा रहे। अरे क्या बात है, देखो एंटी वेनम। ये भाई साहब बहुत जबरदस्त बैकफायर निकलते हैं इसके, सही बता रहा हूं। क्रूज कंट्रोल का मजे लेते हुए देख रहे हो, ये देखो। यार बस इस वाली 10R में यही नहीं है क्रूज कंट्रोल। थोड़ा सा गैप मिला तो व्हीली उठा दी। भाई साहब इनकी बाइक मैंने चलाई है, सुपर डुपर क्रेजी है भाई, क्योंकि ट्यून्ड है पूरी, पावर भी बहुत ज्यादा है, पिकअप भी बहुत क्रेजी है इसका। ये देखो गाड़ी में दीदी बैठी है, बाइक देख रही है। एक सुपर बाइक कहीं से जा रही हो तो अच्छा खासा शोर मचाती है, और जब बहुत सारी होती है तो अलग ही माहौल बनता है भाई, अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, सच्ची बोल रहा हूँ। क्या पटाखे निकलते हैं हर जगह हर तरफ से, चटपट चटपट। S1000RR का क्रूज कंट्रोल का फुल यूज चल रहा है। बाजी कह रहे आओ यार मेरी जान, फुल ट्रैफिक में साफ बना रहे हैं भाई, साए साए साए। भाई जहां से भी बाइकें निकल रही है पटाखे जरूर निकल रहे हैं बाइकों में से। बैक फायर तो जबरदस्त निकल रहे हैं बाइक में से, बैक फायर। बस सर आपका आशीर्वाद है सर। सिर्फ स्टॉक में निकलते, मतलब मैंने कुछ चेंजेस अलग भी अलग से भी कर रखे ना, मतलब तुमने पैसा वैसा लगा रखा है फुल इसके अंदर। अरे ब्लाइंड मनी अंधा पैसा ब्रो। बाजी जरा बैक फायर दिखाओ, अब हम देखेंगे बैक फायर्स।
भाई साहब इंसान खत्म हो जाएगा ये बात सुन के। गजब बैकफायर से यार, मजा आ गया। हमारी मैक्स में से भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैक्स को हल्के में मत लेना, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो भाई ये डिसाइड हुआ है कि हम वापस यू टर्न लेंगे। हमारे साथ कुछ भाई थे, वो आए नहीं, तो अब हमें वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। फुल ट्रैफिक होगा, फुल। चलिए कोई नहीं, ट्रैफिक में बाइक चलाएंगे आज। क्या रिएक्शन आया, लोगों ने कान बंद कर लिए अपने। यार इतना ट्रैफिक हो ना, मजा आता है। अभी देखना आगे कितना ट्रैफिक होगा, हमारे लगने वाले भारी। मतलब मैं बोल नहीं सकता क्या लगने वाले, बाकी आप लोग समझ जाइए। समझदार यार, समझदार को वैसे भी इशारा काफी होता है। भाई क्या कर रहे हो, गिव अवे अनाउंस करना है मुझे। ओहो देख रहे हो। ये देख रहे हो मैं क्या बोला, इसे लगा हम लोग इसके साथ रेस लगा रहे हैं, तो बू कर रहा है। वाओ भाई, वो मैं नहीं था, वो आगे चले गए मेरे ख्याल से। तो स्प्लेंडर वाले ने बेइज्जती कर दी। ये पता है, ऐसे तीतर बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं होता, सुपर बाइक का साउंड सुनेंगे उसके बाद तो ये पागल हो जाते हैं। डर मुझे कहाँ लगता है, हम लोग तो चला लेंगे। ठीक है चला ली, हम लोग भगा लेंगे। हम लोगों ने रोक भी ली, क्यों, क्योंकि बाइक के ब्रेक्स अच्छे हैं, हमारी रुक भी जाएगी। बट इन बाइकों में क्या होता है, भाग तो लेंगी, जब रोकने की बारी होती है ना भाई साहब, ये आती है स्लाइड होते हुए एकदम गूंगी, और सीधा करती है पीछे किस, बहुत ज़बरदस्त। और आप लोगों को पता है अभी नुकसान कितना भारी हुआ था मेरा, और आप सभी को पता होगा सुपर बाइक्स के पार्ट्स एक तो आसानी से अवेलेबल नहीं होते, महीनों लग जाते और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं तो ऐसे टाइम पे एकदम पीछे हो लेता हूँ, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस भाई सलाम, आई लव यू ब्रो। खामा खा बू कर रहा है मुझे। अरे यार उसका भी दिल है, हम पता है, बल्कि उसकी भी गलती नहीं। हम लोग भी जब पल्सर पल्सर चलाते थे ना, और हमें कोई सुपर बाइक दे जाए, हम भी ऐसे ही कीड़ा जागता था, हम भी शू शै करके हरा दिया करते ट्रैफिक में, और हम अपने आप को वैलेंटिनो रॉसी और मार्क मार्कस से बिल्कुल भी कम नहीं समझते थे, बल्कि ऐसा लगता था मार्क मार्कस भी बच्चा है। तो मैं समझ सकता हूँ उस टाइम वो कैसा फील कर रहा होगा। वो जाएगा अपने दोस्तों से मिलेगा, फिर बोलेगा तुझे पता है मैंने सुपर बाइक को हराया ट्रैफिक में। भाई हकीकत भी है, बट उसने मुझे नहीं हराया। तो आप लोग भी थोड़ा सुनो और सीखो, कि कभी कोई आप लोगों को ऐसा तीतर मिले तो प्लीज़ उससे डिस्टेंस बनाए रखो, वरना काफ़ी भारी नुकसान होगा, सच्ची बता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता आप में से किसी का भी नुकसान हो भाई, मेरी YouTube फैमिली में से, या जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं या नहीं भी देखते, तो भी मैं नहीं चाहता खामखा किसी का नुकसान हो। यार गाना ना कोई बढ़िया सा चल नहीं रहा मेरे एयरपॉड्स में, ना मैं भी इस ट्रैफिक में स्प्लेंडर बना देता 10R को। तो भाई गिव अवे होने वाला है, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जल्दी अनाउंस कर दूंगा क्या होगा गिव अवे में। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, जाओ फॉलो करो। पब्लिक देख रही है गाड़ी में सारे के सारे। तो भाई मेरे लेफ्ट में है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो इन लोगों को लगता है कि मैं आगे निकलना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये जो रेस देते हैं ना हम लोग, थ्रॉटल देते हैं, काफ़ी आवाज़ आती है बाइक में से, तो लोगों को लगता है पता नहीं मैं रेस लगा रहा हूँ, खामखा थ्रॉटल दे रहा हूँ। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, और लोग करते होंगे, और लोग डर जाते हैं, इशारा करते हैं चलो भाई आगे दफा हो।
स्कूटी वाला कह रहा होगा क्या फ़ायदा तेरे को साइड देने का, तू फिर पीछे आ गया। मुझे अपनी फिल्म बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत देर हो गई यार हल्के चलते हुए, अगर ज़्यादा देर ट्रैफिक में रहो ना तो इरीटेट हो जाता हूँ, फिर मज़ा नहीं आता। मुझे भी छपरी राइडर बनना पड़ेगा। तभी ट्रैफिक में से निकल पाऊंगा मैं। ओहो मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस राइट साइड में जाना है। ये देखो जी, क्योंकि सारा ट्रैफिक लेफ्ट साइड का था। वाओ मैं बच गया छपरी राइडर बनने से। वो देखो मुझे एक और तीतर दिखा। ये रहा स्कूटी वाला, आए हो आए आए आए, इसके पीछे चलूंगा, मजा आ रहा है मुझे। चलो चलो भाई चलो, ये देखो भाई प्लीज किसी और में मत घुस जाना बस। नहीं नहीं मुझसे दूर रहना, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, मेरे आसपास भी मत रहना प्लीज। ये रहा ये रहा ये रहा, अब चलूंगा इसके पीछे चलूंगा। ये देखो भाई चाहते क्या हो यार, वो स्कूटी है मेरे भाई, ये देखो भाई वो स्कूटी है। अरे 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 भाई साहब क्या क्या हो रहा है ये सब, भाई ट्रैफिक देख रहे हो। हाँ जी सर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई अभी रुक गए थे, हमें देख के पूछ रहे थे YouTube पे वीडियोस बनाते हो, तो हमने बोला बिल्कुल, भाई भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई आपको दिल से बेस्ट ऑफ लक, परवाला आपको खूब कामयाबी दे। अरे यार जल्दबाजी में तो मैंने ये पूछा ही नहीं भाई के चैनल का नाम क्या है, एक शाउट आउट दे देते हैं। शिट चलिए कोई नहीं, दुआ ही करते हैं भाई के लिए। आज की राइड में राइड गम मैंने तीतर ज़्यादा देखे। भाई हम लोग पहुंच गए सत्या निकेतन। यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, और जो लोग हुक्का पीते हैं वो हुक्का पिएंगे। जितने भी लोग पीछे खड़े थे ना वो भी शॉक हो गए होंगे, एकदम जिंदगी भर याद रखेंगे ये क्या हुआ। भाई उछलते कूदते हुए उससे कम तो हम लोग ट्रैफिक में थे। ये देखो ये पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। इधर ही लगा देते हैं क्या गई ब्रो। हम लोग सत्य निकेतन आए थे, पाजी का हैप्पी बर्थडे तो उसकी पार्टी करने है। तो पाजी कहाँ है पाजी, हैप्पी बर्थडे, देख रहे हो फुल कपड़े वपड़े ऐसी तैसी कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, ये है ये बनी मैं पूरा बच गया। उन्होंने हर एक बंदे को केक में एकदम शान दिया था, लेकिन तुम्हारा भाई पिलर के लिए छुप गया। तो सारे कमेंट्स में विश कर देना पाजी को, भाई को फॉलो करना इंस्टाग्राम वाइल्ड विंग राइडर और बीली बॉय बनी, दोनों चैनल करना सब्सक्राइब, बहुत अमेजिंग कंटेंट होता है उधर भी। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते और भाइयों को सबको फॉलो कर लेना, वाइल्ड विंग राइडर्स, विली बॉय बनी और एच के ऑन व्हील्स आप लोग जानते हैं। लो जी तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार लेकर।